नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर सबसे बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, समय रहते संभल जाइए कि दोस्तों आने वाले 3 दिनों का समय आप सभी के जुनकाल में जो ग्रहों की तिथि बन रही है, ऐसे में आपके लिए खुशखबरी तो लेकर आएंगे, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि ऐसे में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सावधानी रखना भी जरूरी है जो कि दोस्तों आपके कार्यों में लाभ दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन शुभ बातों का ध्यान ऐसे में नहीं रखेंगे तो दोस्तों आने वाले 72 घंटों का समय आप सभी के जुनकाल में बड़ा ही संकट लेकर भी आ सकता है, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों ऐसा बदलाव आप सभी के जुनकाल में हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण है। इसमें बताई गई जो भी बातें हैं दोस्तों ग्रहों की स्थिति पर आधारित है, जिन्हें अगर आप जान गए समझ गए तो दोस्तों आने वाले 72 घंटों का समय आप बिल्कुल ही अमृत की तरह साबित कर देंगे। यूँ कहें तो दोस्तों यह समय आप सभी के लिए अमृत काल का समय होगा। जो खुशखबरी यह समय आप सभी के लिए ग्रहों की स्थिति लेकर आई है दोस्तों, जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अगले 72 घंटों के अंदर आप सभी की राशि में गुरु और बुध की बहुत ही अच्छा परिवर्तन हो रहे हैं। जी दोस्तों, गुरु और बुध एक साथ होकर आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण योग के निर्माण कर रहे हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा। जी दोस्तों, आने वाले 72 घंटों के अंदर दोस्तों आप सभी के जीवन काल में दोस्तों आपको बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी उस क्षेत्र से जहाँ पर आपने कभी कल्पना भी नहीं की होंगी। इसीलिए दोस्तों ऐसे हमने आपको कहा है कि अचंभी खुशखबरी मिलने वाली है जहाँ पर आपने कभी कोई कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों वैसी खुशखबरी यश में आपकी झोली में आने वाली है। साक्षात यश में भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, जिनसे आप सभी के जीवन काल में आपके बहुत सारे कष्ट बहुत सारी समस्याएँ भी खत्म होंगी। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान श्री विष्णु जी इंद्र के राजा हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिनके भी जीवनकाल में इनकी कृपा हो जाए दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवनकाल में कोई भी संकट समस्याएं तो दूर की बात, दोस्तों कोई भी ऐसी कोई प्रलय स्थिति उनके जीवनकाल में उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। चाहे उनके जीवनकाल में कितने भी शत्रु हो, कितने भी दैत्य दुश्मन हो, अगर ईश्वर की शरणों में कोई भी जातक जाता है, ईश्वर को प्रसन्न करता है, अच्छे कर्म करता है, तो दोस्तों भगवान श्री विष्णु जी उन सभी की राशि में कुछ ऐसे ही बड़े चमत्कार करते हैं जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में ऐसे चमत्कार होने वाले हैं। और दोस्तों बड़े ही किस्मत वाले हो आप, जो भगवान ने आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया है। दोस्तों आने वाले 3 दिनों का समय, 72 घंटों का समय आपके लिए कोई हीरे से कम नहीं रहने वाले हैं। दोस्तों यश में आप सभी को बता दें कि दोस्तों जो भी आपकी समस्याएँ हैं वे सभी समाप्त हो जाएंगे, बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं और बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी यश में आपको मिलने वाली है। दोस्तों सभी के बारे में हम जानेंगे एक एक करके विस्तार से, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी यश में आपको अपने ध्यान में रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों आपने यह बात सुनी होगी कि जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर बुरे लोग भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार कुछ आप सभी के जुनकाल में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दोस्तों आपको हमेशा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमेशा आपको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको कैसे इन लोगों से सावधान रहना है, कैसे इन लोगों से बचना है, कौन से कार्य करना है, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक बात बहुत ही विस्तार तरीके से बताने वाले हैं और कुछ ऐसे सरल उपाय भी आपको देने वाले हैं जिनमें आपको एक पैसा भी नहीं लगेगा और दोस्तों आप सभी का जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। सभी दैत्य दुश्मनों से मुक्ति आप सभी को मिल जाएगा और दोस्तों हर कार्यों में आप सफलताओं को प्राप्त करेंगे। बस दोस्तों आपको क्या करना है कि वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से अंत तक देखना है। दोस्तों अगर आप आज की इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों आने वाले 72 घंटों का समय जो हीरे से कीमती समय है, उनमें दोस्तों आपको हीरे से भी बड़ी लाभ मिलने वाली हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी का घर और परिवार बिल्कुल ही खुशियों में झूमेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी भगवान श्री विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चे हृदय भाव से दोस्तों जय माता दी जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। और दोस्तों भगवान श्री विष्णु जी
आपके ऊपर हमेशा जुनकाल में कृपा बनाए रखे। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद आप सभी के घर परिवार पर हमेशा पड़ते रहे। तो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आने वाले 72 घंटों का समय आपके लिए कोई साधारण समय नहीं रहने वाले हैं। दोस्तों, यशमी ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ईश्वर की भी देवी शक्तियां आप सभी के साथ रहने वाली है और आप सभी को बहुत ही बड़ी सफलताएं देने वाली है। तो दोस्तों, यश में आपको कौन कौन सी सफलता मिलेंगी और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ईश्वर की देवी शक्तियां आपके साथ रहेंगी। तो दोस्तों, कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। ईश्वर की देवी शक्तियां जब आपके साथ रहेंगी तो दोस्तों आपको कुछ संकेत मिलेंगे, उन संकेतों को आपको समझना होगा। जी दोस्तों, तो इस वीडियो में हमारा एक बात विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी जातक इस राशि के हैं, जो पिछले जीवनकाल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जो पिछले जीवनकाल में मेहनत किए उनका फल नहीं मिला है, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब समय आपके लिए बिल्कुल ही विपरीत होने वाले हैं। जहाँ पर पिछले समय आपको बहुत सारी मेहनत का भी फल नहीं मिल पाया है, वहीं दोस्तों यश में आपके जो भी मेहनत है उनके दुगने लाभ मिलने वाले हैं। ईश्वर की देवी शक्ति आपके साथ है तो दोस्तों आप सभी का काम बिल्कुल ही दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ने वाली है। जिस क्षेत्र में आप जाने वाले हैं वहां पर आपका मान सम्मान बढ़ने वाले हैं। हर एक क्षेत्रों में आपको सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर आप पराजय हो जाए। दोस्तों, हर जगहों में आपके जीत के झंडे गड़ने वाले हैं। जी दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि अश्वमेध समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाले हैं। आपके कार्यों में बड़ी सफलता आप सभी को प्राप्त हो सकती है। रुके हुए जिनके भी कार्य हैं उन सभी का कार्य अश्वमेध चलने वाले हैं। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में जो भी समस्याएं चल रही है, आर्थिक तंगियां चल रही है, पेशों को लेकर जो भी समस्याएं हैं, धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं आप सभी के जीवन से अब विलुप्त होने वाली है। और दोस्तों, धन से परिपूर्ण आप सभी का घर और परिवार हो जाएगा। दोस्तों, आने वाले 72 घंटों का समय आपके लिए हीरे से कीमती समय है। इसलिए दोस्तों यश में इन समयों को आप बिल्कुल ही जाया मत कीजिएगा और कुछ बातों को आपको अपने जीवन काल में ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला बात यह है कि दोस्तों, आने वाले 72 घंटों के समय में आप अपने समय को बिल्कुल ही गलत जगह पर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप काम करने जा रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल ही आप काम पर ही जाइएगा। ऐसा नहीं कि काम पर जा रहे हैं और कहीं और चले गए और दोस्तों वहां पर अपनी समय को नष्ट कर दिए। दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है कि आने वाले 72 घंटों का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। या समय ईश्वर ने आपको बड़े ही मौके दिए हैं। तो दोस्तों, इसी मौके को आपको भूल कर भी नज़रअंदाज नहीं करना है। और दोस्तों, यश में हर बातों का आपको ध्यान रखना है। जी दोस्तों, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, दोस्तों उन सभी पर आपको कड़ी नज़र रखनी होगी। जी दोस्तों, अन्यथा आपके आंखों के सामने नहीं बल्कि दोस्तों आपके पीठ पीछे चूक हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप सामने रहेंगे, हर बातों पर नज़र रखेंगे, हर कार्यों पर ध्यान देंगे तो दोस्तों आपका कार्य बिल्कुल भी असफल नहीं होगा। और जो भी कार्य असफल भी होंगे दोस्तों, उनमें सफलताओं की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपकी कड़ी मेहनत रंग लाने वाली है और दोस्तों उनका फल आप सभी को मिलने वाले हैं। जिस क्षेत्र में जाने का आपका लक्ष्य है दोस्तों, वह लक्ष्य आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। जो चीज़ों की चाह आप रखते हैं दोस्तों, वह चाह आप सभी के पूरे होने वाले हैं। समय बहुत ही बेहतरीन है, ग्रहों का पूरा पूरा सहयोग आप सभी को मिलेगा। और दोस्तों, यश में आपको क्या करना है कि समय का सही सदुपयोग करना है। जी दोस्तों, किसी भी गलत संगत पर यश में आपको नहीं लगना है, ना ही दोस्तों बुरे विचार से आपको किसी के साथ पेश आना है। किसी के प्रति यश में दुष्भाव आपको नहीं रखना है। जो भी आपके प्रति दुष्भाव रख रहे हैं, यश में ईश्वर की देवी शक्तियाँ आपके साथ रहने वाली है। भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहने वाली है। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी के साथ रहने वाली है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में सभी शत्रुओं का विनाश होगा। बस आपको अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करना है, बाकी समय आपके लिए आपकी काबिलियत का, आपकी योग्यताओं का तारीफ दिलाने में हमेशा आपकी साथ रहेंगी। जी दोस्तों, यश में आपको बता दें कि आप जिस भी कार्य में अपना हाथ को डालेंगे वह कार्य अवश्य आप सभी के पक्ष में आएंगे। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि संतान से संबंधित यश में आपको जो भी समस्या है
वह समस्या दूर हो सकती है। संतान की ओर से आपको इसमें बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग पिछले कई समय से संतान प्राप्ति के बहुत ही चाह रखते थे, उन सभी के जुनकाल में अष्टमी ग्रहों की जो स्थिति बनी है, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति के योग बनने वाले हैं। और दोस्तों, इनसे आप तनाव मुक्त भी होंगे। समय बहुत ही बेहतरीन है, मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना भी बनेगी, या फिर इनकी योजना आप बना सकते हैं। आने वाले समय में आप सभी को बता दें कि कहीं पर आप लंबे टूर पर भी जा सकते हैं, जो कि धार्मिक स्थल हो सकता है। जी दोस्तों, इसके उपरांत आप सभी को बता दें कि यशु में अपने घर परिवार का साथ आप सभी को पूरा मिलेगा। आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने कार्यों की शुरुआत करना है। इसी दोस्तों, आपको कार्यों में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। हर कार्यों में आप अपना एक अलग ही वर्चस्व बनाकर रखेंगे। आपका सम्मान आदर एक अलग ही लेवल पर होगा। आप सभी को बता दें कि यश में आपकी जिंदगी का जो भी पिछले समय के कार्य थे, वह समय दोस्तों आपको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अब समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यश में पिछले समय की मेहनत का फल आप सभी को मिलने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी को अपने अंदर आत्मविश्वास का एक अलग ही झलक दिखेगी, जिनसे आप खुद पर गर्व भी महसूस करेंगे। हालांकि दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 72 घंटों के अंदर आपको कुछ ऐसे शुभ संकेत भी मिल सकते हैं, जो कि ईश्वर की देवी शक्तियां आप सभी के साथ रहने वाली है। इन्हीं के द्वारा यह शुभ संकेत आप सभी को मिलने वाली है, बस आपको इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह संकेत ऐसा हो सकता है, जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो दोस्तों आपके सामने कोई छिपकली आ जाए। जी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगर दोस्तों आपके घर में कोई छिपकली रात को सोते समय आपको अगर 72 घंटों के अंदर दिखने वाली है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होने वाली है। माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं, और दोस्तों आप सभी के जीवन काल में माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रवेश करने वाली है, धन की समस्याओं को आपके दूर करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस संकेत को आपको समझना है। और दोस्तों, जब भी ये संकेत आपको मिलते हैं तो सुबह उठकर आपको क्या करना है, नहा धो लेना और दोस्तों गंगा जल से खुद को शुद्ध कर लेना है, और दोस्तों माता लक्ष्मी की आरती करनी है, माता लक्ष्मी का पूजा पाठ करना है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजा करते हैं वश में माता लक्ष्मी को एक लाल पुष्प अवश्य अर्पित कीजिएगा। इनसे दोस्तों आप सभी के ये जो संकेत है उनका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। इनसे माता लक्ष्मी का जो आप आदर करें, इनसे उनके मन में आपके एक अलग ही छवि बनेगी और माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको अपने ध्यान में रखना है। इसके उपरांत दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 72 घंटों का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसमें आप सभी को बता दें कि आपके घर परिवार में धन लाभ की अच्छी प्राप्ति होगी, जिससे दोस्तों घर परिवार में खुशियों की एक अलग ही छवि रहेगी। खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे, इसमें उनके नौकरी के प्रति कोई ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जिनसे घर परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यशमी ग्रहों का बहुत ही अच्छा लाभ आप सभी को मिलेगा। बस आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो भी आप अभी ध्यान दे रहे हैं यशमी, इनका फल आपको सोगने में मिलने वाले हैं। बस दोस्तों, आपको क्या करना है कि अपने समय को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। पढ़ाई में एकाग्रचित होकर अपने पढ़ाई को करना है। आने वाले 24 घंटों का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। यह समय आप कोई नए ऐसे कार्य करेंगे जिनसे आप सभी का समय आने वाले समय में सबसे अलग होगा। यानी कि दोस्तों, ऐसा समय होगा कि लोग कहेंगे कि इनको वरदान मिल गया है, ईश्वर का वरदान आपको मिल गया है। ऐसा समय आप सभी को मिलेगा कि दोस्तों आने वाले 72 घंटों के अंदर जो गुरु और जो बुद्धि की स्थिति होगी आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, ऐसी ग्रहों की स्थिति बहुत ही कम होते हैं। जब दोस्तों ऐसी नक्षत्र और ऐसे पक्ष में ऐसी स्थितियों का निर्माण हो जाना दोस्तों व्यक्ति को हमेशा धन से मालामाल कर देती है। जे दोस्तों, यशमी ग्रहों की चाल आप सभी को बड़े ही धन लाभ की योग बनाएंगी। इसलिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब भी आप कार्य करते हैं उनमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों समय के साथ आपको हर कार्यों में सफलताओं की प्राप्ति होगी। अगर आप जल्दबाजी में कार्य करेंगे तो दोस्तों कोई मामले आपसे छूट सकते हैं, जिनसे आपको मुश्किलें भी मिल सकती है। इसलिए दोस्तों इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसके उपरांत आप सभी को बता दें कि खुशखबरियों का आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप सभी को बता दें कि किसी व्यक्ति के द्वारा आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकता है,
किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और दोस्तों ये खुशखबरी आपके पक्ष में होंगी। जी दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपने कहीं पर कोर्ट कचहरी में कोई मामला आपका था और दोस्तों वह व्यक्ति आपको खुशखबरी सुनाएगा और दोस्तों वह खुशखबरी आपके ही पक्ष में होगा। जी दोस्तों, इसके उपरांत आप सभी को बता दें कि यश में आपको बस इसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आप बात सुन सकते हैं लेकिन दोस्तों भरोसा आपको भूलकर भी नहीं करना है। सुन सकते हैं सुनिए, लेकिन अपने मन की ही आपको करना है। घरों की स्थिति यश में प्रबल है, बस आपके लिए प्रबल है। दोस्तों किसी और की बातों में चलेंगे तो ग्रहों का अशुभ फल भी आप सभी को मिल सकता है, काम भी आपके बिगड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए खुद पर आपको विश्वास करना है और खुद के क्रोध पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर रखना है। खुद की बातों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने लहजे को संभाल कर बोलना है। नम्र व्यवहार और दयालु स्वभाव की आपको अपने चरित्र को यश में रखना है। दोस्तों आखिर आप सभी को बता दें कि आपका जो व्यवहार है हमेशा ही नम्र और दयालु प्रवृत्ति के ही है, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे तनाव के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। यानी दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि तनाव में होने के कारण व्यक्ति के मुँह से कुछ अपशब्द आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों इनका तात्पर्य यह नहीं कि आप गलत स्वभाव के हैं। दोस्तों स्वभाव आपका उतना ही निश्चल है, लेकिन बस आपको गुस्से में होकर भी आपको अपने बातों पर अपने शब्दों पर ध्यान रखना है। गुस्सा आपको भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपको अपने लोगों से बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं। तो दोस्तों यश में आपको अपने लोगों पर तो बिल्कुल ही भी भरोसा नहीं करना है या फिर अपने लोगों के साथ कोई भी लेन देन नहीं करना है। जी दोस्तों, अगर आप अपने लोगों के साथ कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ पेशे की लेन देन कर रहे हैं या फिर मिलजुल कर कोई नए कार्य करने की चाह रख रहे हैं, सब सोच रहे हैं, तो दोस्तों आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा कि अपने लोगों से यश में आपको दूरी बनाकर रखनी है। जी दोस्तों, भविष्य में ये कार्य आपको नुकसान दिला सकते हैं तो यश में आपको संभल कर रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी के शत्रु के कोई गुप्त सीक्रेट आप सभी के सामने आ सकते हैं, जिनके कारण आपकी आंख भी खुलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, या फिर जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहे थे मन ही मन, यश में आप जान पाएंगे और दोस्तों आपकी आंखें खुल जाएंगी। घरों की जो स्थिति बन रही है आपके लिए बहुत ही अच्छी है। यश में आपको बड़ी खुशखबरी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी स्थिति भी दिखाएंगे जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अनुभूति होंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि कार्य क्षेत्र में आप मन लगाकर कार्य करेंगे, परंतु समय ऐसा है कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सफलताओं को लेकर आएगा। इसके साथ दोस्तों आप इंटरटेनमेंट भी कर पाएंगे, जैसे कि दोस्तों ऐसा नहीं कि आप कार्य ही करेंगे, दोस्तों कुछ ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जैसे कि दोस्तों लंबे टूर पर आप भी आ जा सकते हैं। जी दोस्तों, कंपनी के द्वारा अगर आप कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों कंपनी के द्वारा कोई आपको ऐसा पैकेज मिल सकता है जहाँ पर आप लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होगा। जी दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप मौज मस्ती घूमेंगे और दोस्तों बहुत सारी अपने जो मानसिक तनाव है उनसे आप मुक्त भी हो पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो भी वो युवा वर्ग है वे अपने काम को लेकर बिल्कुल ही सख्त हो जाएं। समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उन्नति के लिए आपको सोचना है, करियर के लिए आपको अपने समय को यूज़ करना है। जी दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि जीवन साथी का स्वभाव यश में बहुत ही अच्छा रहेगा, उनका सहयोग मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों आपका घर का भी स्वभाव बहुत ही अच्छा रहेगा, घर परिवार के सहयोग से आप सब बहुत ही अच्छे कार्यों में सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी को बता दें कि घर का माहौल यश में बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं, नोक झोंक जो भी थी वो यश में दूर होने वाली है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को यह बात भी बता दें कि हर पारिवारिक माहौल में थोड़ा सा नोकझोंक होता है और दोस्तों हर छोटी बातों को लेकर आपको बिल्कुल ही चिढ़ना नहीं है, दोस्तों सभी बातों को आपको हल करना है। जी दोस्तों, इसके उपरांत आप सभी को बता दें कि जो लोग प्रेम संबंध में पिछले कई समय से थे उन समय के लिए बहुत ही अच्छा है। घर का जो बात है वो दोस्तों आपके पक्ष में होंगी या फिर कहें तो घरों की स्थिति के साथ यश में आपके घर वाले आपकी बात को मानने वाले हैं। बस आपको अपनी बातों को उनके सामने बिल्कुल ही खुलकर रखना है, अच्छी तरीके से आपको अपने बातों को उनके सामने कहना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को यह बात भी बता दें कि यश में जो भी लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए नौकरी के योग बनेंगे, बेरोजगारों को रोजगार के भी अवसर प्राप्त होने वाले हैं।
जी दोस्तों, इसके उपरांत हम आप सभी को यह भी खुशखबरी दे दी कि यश में आप सभी के एक नए जीवन साथी मिल सकती है। जो लोग दोस्तों बेरोजगार के साथ साथ, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने किसी को पेशा दिया था, वह पेशा आपको वापस मिल सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित समय आपके लिए अच्छा है। दोस्तों जो लोग प्रॉपर्टी में पेशे इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे थे, समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग नया मकान या फिर नया वाहन लेना चाह रहे थे, उनके लिए घरों की स्थिति बहुत ही अच्छी है। यश में आप अपने जो चाहे उनमें कामयाब हो पाएंगे और लाभ के अवसर आप सभी के हाथ में आने वाले हैं। बस आपको उन पर कार्य करना है। जी दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। बस आपको बेफिजुल के तनाव लेने से बचना है। बेवजह के तनाव अगर आप अपने दिमाग में लेंगे तो दोस्तों थकान आप सभी को हो सकता है। इसलिए बेवजह के तनाव भूल कर भी ना लें और कुछ गलत कार्य आप बिल्कुल ही ना करें। जी दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह कार्य आपके लिए गलत है, उस कार्य को मत कीजिएगा। ऐसे कार्यों में आपको सबसे ज़्यादा तनाव होते हैं। तो दोस्तों इन सभी कार्यों से आपको बचना है। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि ईश्वर की देवी शक्ति इसमें आपके साथ है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना है। घर परिवार में शांति का माहौल बनाना है। घर में किसी का अनादर आपको नहीं करना है। बाहर में भी दोस्तों आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई ऐसा लोग आपसे मदद मांगते हैं तो दोस्तों उन लोगों की आपको मदद करना है। दोस्तों ईशा स्वभाव आपको भूलकर भी नहीं रखना है कि आप किसी का मदद ना करें। जी हाँ दोस्तों, ईशा भूलकर भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर में ईश्वर की देवी शक्ति आपके साथ रहने वाली है। इसलिए दोस्तों यश में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण उपाय यश में आपको अपने जीवनकाल में ज़रूरी करना है, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन के जो भी धन की श्रेणी है वह आपके लिए बहुत ही सफल होंगी। और दोस्तों धन लाभ के रास्ते आप सभी के लिए खुलेंगे और घर परिवार का माहौल भी अच्छा होगा। जो शत्रु आप सभी को परेशान करते हैं, उनसे भी आप सभी को मुक्ति मिलेंगी। तो दोस्तों आपको कौन से उपाय यश में करना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यश में धन लाभ के लिए आपको सफ़ेद कपड़े के झंडे को पीपल के वृक्ष पर लगाना चाहिए। जो समय है, जो घरों की स्थिति है, जो दिन है, इन्हीं के अनुसार हमें आपको ये उपाय बता रहे हैं। जी दोस्तों, आप सभी को सफ़ेद कपड़े के झंडे को पीपल के वृक्ष पर लगाना चाहिए। यदि दोस्तों व्यवसाय में आकस्मिक दोस्तों व्यवधान एवं पतन की संभावना प्रबल हो रही है तो यह प्रयोग आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक हंडिया में 1/4 किलो हरी मूंग की दाल, दूसरी 1/4 किलो डलिया वाला नमक भर दें। ये दोनों हंडिया में भरकर कहीं रख दें। यह क्रिया आपको बस शाम को करना है। दोस्तों आपको क्या करना है कि घर में रहना है, घर का माहौल शांति बनाकर रखना है और घर में जो भी धन की समस्याएं हैं, जो धन की आवक रुक गई है, वे धन की समस्याएं भी खत्म होंगी, धन की आवक भी बढ़ेंगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आप सभी को प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों आप सभी को एक और महत्वपूर्ण उपाय कौन से करने चाहिए? दोस्तों आप सभी को बता दें कि कभी कभार आप सभी के पति पत्नी के बीच थोड़ी सी नोकझोंक होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप छोटी छोटी नोकझोंक को भी दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सभी के रिश्ते में कभी भी नोकझोंक आए ही ना, गलतफहमियाँ पैदा ही ना हो, तो दोस्तों पत्नी को पीली चूड़ियाँ पहननी चाहिए। जी दोस्तों, इससे जो आपका रिश्ता है वो मधुर होगा। और दोस्तों खासकर आने वाली 72 घंटों का समय आपके लिए इतना खास है कि दोस्तों जो चीज़ आप चाहते हैं वह चीज़ आपके लिए सफल हो जाएगा। तो दोस्तों 72 घंटों के अंदर आप कहीं से पीली चूड़ियों का व्यवस्था करके पहनिएगा। जी दोस्तों, इसके उपरांत आप सभी को बता दें कि जो भी घर के कारोबारी व्यक्ति हैं, उन सभी को बता दें कि जब भी आप काम पर जाते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं वे कपड़े गंदे नहीं होना चाहिए। साफ जूते, चप्पल और कपड़े आपको पहनना चाहिए और सही तरीके से इन सभी को अपने घर में रखना चाहिए। दोस्तों ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको कार्यों में सफलताओं की प्राप्ति होगी और जो ग्रहों की स्थिति में छोटे छोटे ऐसे विकट परिस्थितियां पैदा होती है, दोस्तों उनसे मुक्ति मिलेंगी और आपके कार्य सफल होंगे। जी दोस्तों, और घर से भी आप सभी का नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। जी दोस्तों, और दोस्तों यश में आपको एक खास महत्वपूर्ण उपाय क्या करना है कि दोस्तों यश में ईश्वर की देवी शक्ति आपके साथ है, तो दोस्तों आपको अच्छे कर्म करना है। जी दोस्तों, अपने मन को, अपने स्वभाव को हमेशा सकारात्मक रखना है। ईश्वर के प्रति आपको सबसे ज़्यादा प्रेम रखना है, सभी लोगों की सहायता करना है। जो भी लोग आपके अनादर करते हैं दोस्तों, उनको आपको चोट नहीं पहुंचाना है।
दोस्तों बस आपको यह समझना है कि ईश्वर के आगे हम क्या हैं। जब ईश्वर इनको दंड देगा तो ये कहीं का नहीं रहेगा। ये दोस्तों बस आपको अपने कार्य को करना है और दोस्तों आप देख पाएंगे कि ईश्वर की जो प्रसन्नता है वे दोस्तों आपसे सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। ईश्वर आपसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ईश्वर समझेंगे कि आपने अपने जन्मकाल के सारे कार्यों को उन्हीं के ऊपर सौंप दिए हैं। जो भी कार्य हैं, जो भी शत्रु आपको परेशान करते हैं, आपने उन्हीं को अपना गुरु माना है और दोस्तों ईश्वर आपको परेशान हर परेशानी से दूर रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों क्या करना है, अगला जो उपाय है दोस्तों यह है कि किसी भी लड़की को, किसी भी स्त्री को या फिर किसी भी नारी को आपको अपशब्द नहीं बोलना है, ना ही उनका अपमान करना है। दोस्तों प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में यह निर्माण प्रमाणित है कि स्त्रियों में देवी माता लक्ष्मी का वास है। जी दोस्तों, और यशमी माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन काल में प्रसन्न हैं और दोस्तों यशमी उनका संकेत भी आप सभी को प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यशमी आपको किसी भी स्त्री को अपमान नहीं करना है, ना ही उनके साथ कोई गलत व्यवहार करना है। दोस्तों चाहे वह स्त्री आपकी माँ बहन हो या फिर बेटी हो या फिर आपके साथ काम करने वाली कोई आपके सीनियर या फिर जूनियर, दोस्तों किसी के भी साथ आपको गलत तरीके से पेश नहीं आना है, ना ही अपशब्द भाषाओं का आपको प्रयोग करना है। इनसे दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी आप सभी से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगी और दोस्तों आपके जीवनकाल में जो भी धन से जुड़ी समस्याएँ हैं वे सभी समाप्त कर देंगी। बस दोस्तों आपको इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है, तभी दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में हर कार्यों में सफलताओं की प्राप्ति होगी। जी दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को एक महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं कि इसमें जो समय है, जो ग्रहों की स्थिति है, इन्हीं के अनुसार ये उपाय करना है। दोस्तों आपको हर रोज़ ये उपाय भूल कर भी नहीं करना है। जी दोस्तों, यशमी आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। शत्रु आपको हमेशा कार्यों में नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें वह आपके पीछे लगे हैं। तो दोस्तों यशमी आपको बस अपने शत्रु से पीछा छुड़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंत्र का उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो भी आपका मन है, जो भी आप चाहते हैं कि शत्रु के पास साथ हो जाए दोस्तों, बस वही होगा। बस आप इसे आप ध्यान से देखिएगा कि आपको एक नींबू को लेकर उसका चार टुकड़े कर लें और दोस्तों आप सभी को बता दें कि चार लौंग भी लें और दोस्तों इन्हें गाड़ दें। तो दोस्तों इसे में या समय आपको यह उपाय को बिल्कुल ही करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक नींबू को लेकर उस पर चार लौंग गाड़ दें तथा इस मंत्र का जाप करें। जी दोस्तों, यह मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप आपको 21 बार करना है। साथ ही इसे ले जाकर आपको अपने काम के जगह पर रख देना है, जहां पर आपको बधाई आती है, जहां पर आपको शत्रु परेशान करता है, दोस्तों इसी जगह पर रख देना है। और दोस्तों इससे आपके जो भी शत्रु हैं, जो आपको परेशान करना चाहते हैं, वे खुद ही परेशान होंगे और आपको परेशान वे कभी नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी की शक्ति आप सभी के साथ रहेंगी, महाबली हनुमान जी आप सभी को रक्षा करेंगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आने वाले 3 दिनों का समय आपके लिए हीरे से भी कीमती समय है और वह समय आपको दिखेंगे भी और उनमें आपको लाभ की प्राप्ति भी होंगे। जी दोस्तों, बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो हमने आपको बताए हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।